नमस्कार, मैं आपके साथ काजल पाल और आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जनपद सीतापुर के तहसील सिधौली के मोहल्ला बहादुरापुर स्थित पानी टंकी की पुताई कर रहे एक मजदूर की पानी ले जाने के दौरान पैर फिसल कर पानी में डूबने से हुई मौत। आपको बता दें कि अखिलेश पुत्र रामबीर निवासी मोहद्दीनपुर थाना बीसादर जिला बरेली अपने 5 साथी मजदूरों के साथ वेरी सुमेध जयपाल तोताराम विशाल के साथ टंकी की पुताई का कार्य कर रहा था। साथियों के अनुसार आज बुधवार की सुबह 10 बजे के करीब जब अखिलेश रंग को खोलने के लिए पानी लेने टंकी पर गया तो अचानक उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वह पानी से भरी टंकी में जा गिरा। जब साथियों को इसकी जानकारी हुई तो वह हड़कंप मच गया, लेकिन सभी साथी उसको बचाने में असमर्थ रहे। जब इसकी जानकारी मोहल्ला और उसी मार्केट में दुकानदारों को हुआ तो उन्होंने पुलिस व नगर पंचायत में इसकी जानकारी दी और आनन फानन में टंकी खाली करवा दिया गया और मोहल्ला वासियों ने उसे बाहर निकाल कर नीचे उतारा और पुलिस वाहन से CHC सिधौली लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीतापुर से काजल पाल के साथ आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी।